स्वागत है आपका इस नए लेक्चर में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी, लेकिन एकदम नए तरीके से। यानी हम लोग प्रोबेबिलिटी चाहे वो कंडीशनल पढ़ रहे होंगे या बेस थ्योरम पढ़ रहे होंगे या कोई सिंपल न्यूमेरिकल लगा रहे होंगे, हम लोग अलग अलग फार्मूला यूज़ करने नहीं जा रहे हैं। हमारे पास केवल एक फार्मूला अवेलेबल है और उस फार्मूले का नाम है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। यानी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी इक्वल टू फेवरेबल आउटकम, हम लोग लिखेंगे न्यूमरेटर में, यानी प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू न्यूमरेटर में वो इवेंट जिसके बारे में प्रोबेबिलिटी आपसे पूछा गया है उसको आप लिखेंगे न्यूमरेटर में कि वो कितने तरीके से पॉसिबल है, अपॉन बिना किसी कंडीशन के उस इवेंट से क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं वो सब। यानी टोटल आउटकम होगा डिनोमिनेटर में और फेवरेबल मतलब जो आपसे पूछा गया है वो आपके लिए उस वक्त उस न्यूमेरिकल में फेवरेबल होगा उसको आप न्यूमरेटर में लिखेंगे, डिनोमिनेटर में आप पूरा लिखेंगे जो भी हो सकता है उसमें, और उसको उस रेशियो को ही हम लोग प्रोबेबिलिटी बोलेंगे। दो बेसिक बातें मैं आपको बता दूं, प्रोबेबिलिटी में जब भी किसी दो इवेंट को जोड़ने के लिए एंड आएगा एंड, तो वहां हम लोग मल्टीप्लाई लगाएंगे, और जब भी और आएगा यानी या हिंदी में या इंग्लिश में और, तो वहां हम लोग प्लस लगाएंगे। और एकदम बेसिक से सॉल्व करते हुए चलेंगे, और खास बात यह है प्रोबेबिलिटी के बारे में कि इसका न्यूमेरिकल आपको बोर्ड एग्जाम में दो तीन जरूर मिलेगा, और आप जानते हैं प्रोबेबिलिटी एकदम लास्ट में है तो अक्सर लास्ट में ही इसको आप पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। इसलिए मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझा सकूँ कि प्रोबेबिलिटी का इंपॉर्टेंस को समझिए, और जल्दी से पहले प्रोबेबिलिटी पढ़ लीजिए क्योंकि इसका सिर्फ अगर कोई रिलेशन है तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से है, और वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आपको बेसिक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आता है तो आप प्रोबेबिलिटी के न्यूमेरिकल अधिकतर लगा ले जाएंगे। तो बजाय इसकी बहुत ज़्यादा थ्योरी की ओर चलने के, मैं एक न्यूमेरिकल लेता हूँ और उससे आपको समझाता हूँ कि कैसे आप प्रोबेबिलिटी के न्यूमेरिकल्स को लगाने के लिए कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करने हैं। तो हमारे पास एक न्यूमेरिकल है कि 5 boys and 3 girls, यानी 5 हमारे पास बॉय है और 3 girls हैं, आर सीटेड एट रैंडम इन ए रो। यानी एक रो में हमको 5 boy और 3 girl बैठानी है एट रैंडम, मतलब किसी भी क्रम में, ठीक है। तो अब आप समझिए कितने लोग हो गए, 8। तो 8 लोग को आपको बैठाना है 8 जगह पर, तो ये मैंने बना ली 8 जगह, 1 2 3 4 5 6 7 8, और हमारे पास 5 boy और 3 girl यानी 8 लोग हैं। फिर पूछा क्या, प्रोबेबिलिटी दैट नो बॉय सिट्स बिटवीन 2 girls, यानी 2 girl के बीच कोई बॉय ना बैठे, यानी उसमें कई तरह के क्रम होंगे, किसी क्रम में 2 boy के बीच में एक गर्ल होगी, किसी में नहीं होगी। तो हम क्या चाहते हैं, किसी ऐसे कॉम्बिनेशन के बारे में जानना चाहते हैं जिसमें 2 girl के बीच में एक भी बॉय ना हो। तो ऐसे इवेंट को सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले ये निकालेंगे कि क्या क्या बिना किसी कंडीशन के पॉसिबल है। तो देखिए, हम मानेंगे 3 girl और 5 boy मिला के 8 लोग हैं, यानी 8 person हैं और 8 जगह है। तो इस 8 लोग में चाहे वो गर्ल हो चाहे बॉय हो, पहले प्लेस को अगर भरा जाए तो 8 लोगों से एक कोई ले, यहाँ पर कोई 8 में से कोई एक सिलेक्ट करना है आपको इसको भरने के लिए। तो इसके लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल है, पहले वाले प्लेस के लिए 8 लोग अवेलेबल है, कोई भी आप यहाँ बैठा सकते हैं। तो ये 8 तरीके हैं जिससे आप पहली जगह भर सकते हैं। फिर यहाँ से एक लोग आके यहाँ बैठ गए तो यहाँ कितने लोग बचे, 7। तो इस जगह को भरने के लिए कितने लोग यहाँ अवेलेबल है, 7। तो 8 × 7, फिर इसको 6, यानी 8 × 6 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यानी 8 factorial। ये वो तरीके हो गए जिससे आप इस 8 जगह को भर सकते हैं। ध्यान ये रखिएगा, अभी मैंने किसी क्रम का यहाँ पर ख्याल नहीं रखा है। तो ये हमारा हो गया टोटल आउटकम। तो टोटल आउटकम बिना किसी कंडीशन के 8 factorial हो गया जिससे हम लोग इस 8 जगह को भर सकते हैं। अब उस सवाल में कहा गया है कि किसी भी 2 girl के बीच कोई बॉय ना बैठे, तो ऐसा करिए उन 3 girl को एक डिब्बे में बंद कर दीजिए और उसको काउंट करिए 1। यानी हमारे पास कितनी गर्ल है, 3, इसको एक डिब्बे में बंद कर दीजिए और इसको काउंट करिए 1। तो 1 ये लोग हो गए और 5 boy तो 5 है ही, तो टोटल कितने लोग हो गए, 6 लोग। अब 6 लोग को अगर आपसे कहा जाए कि 6 जगह बैठाना है, 6 लोग को 6 जगह बैठाना है, तो उसका आंसर क्या होगा, 6 factorial। तो 6 factorial वो तरीका हो गया जिससे आप 6 जगह भर सकते हैं,
लेकिन अभी इसमें एक बात बची हुई है, क्या? वो जो तीन गन आपने एक साथ ली है, तो वो तीन गन मान लीजिए ये है, यहाँ पे आपने तीनों जगह गन बैठाई है और ये पांच बॉय है, क्या आप समझते हैं कि यही एक पॉसिबल केस है जिससे तीन गर्ल यहाँ हो और पांच बॉय यहाँ हो? ऐसा भी हो सकता है कि तीन गर्ल एक साथ तो हो लेकिन उनकी जगह पहली दूसरी तीसरी ना होकर दूसरी तीसरी चौथी हो, यानी तीन गर्ल को एक साथ बैठाने की जो तरीके हैं वो एक ये है कि पहले तीन जगह पर तीन लोग हो, तीनों गर्ल। दूसरा तरीका ये है, जैसे आठ जगह मैंने बना दी, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। एक तरीका यह है कि तीनों घर लगातार यहाँ है, दूसरा तरीका यह है कि तीनों घर लगातार यहाँ, एक दो तीन। तीसरा तरीका यह है कि तीनों घर यहाँ है, यानी इन तीनों को अगर आप कनेक्ट करते जाएं तो आपको क्या मिलेगा, एक दो तीन एक, एक दो तीन दो, फिर एक दो तीन तीन, फिर एक दो तीन चार, फिर एक दो तीन पाँच, फिर एक दो तीन छ। यानी आपको ये छह तरीके मिलेंगे जिससे आप ये तीन घर लगातार बैठा सकते हैं, यानी आपको आंसर आपका क्या होगा, 6 फैक्टोरियल इंटू 6, ये हो गया आपका फेवरेबल आउटकम। और इसको आप डिवाइड करेंगे टोटल आउटकम से, और टोटल कितना है 8 फैक्टोरियल, तो आपका आंसर होगा 6 फैक्टोरियल इंटू 6 डिवाइडेड बाई 8 फैक्टोरियल, और 8 फैक्टोरियल को आप लिखेंगे 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल हो गया कैंसिल, ये हो गया 2 3 जा 4, 2 3 जा 6, ये हो गया 2 4 जा 8, 3 बाई 28, तो आपका आंसर हो गया 3 बाई 28। तो ये वो तरीका है, ये वो प्रोबेबिलिटी है जिससे आप तीन गर्ल को इस तरह बैठाते हैं कि उनके बीच में कोई भी बॉय ना बैठा हो। अब ध्यान ये रखिएगा, प्रोबेबिलिटी का न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आपको कैलकुलेशन पर बहुत ध्यान नहीं देना, आपका लॉजिक एकदम क्लियर होना चाहिए। तो मैं आपको प्रोबेबिलिटी के सारे न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के और जेई में जो भी आए हुए हैं उन सभी को बिना किसी बड़े बड़े फॉर्मूले के सिंपली बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं। चैनल से जुड़े रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम को कैसे सॉल्व करते हैं बिना किसी अलग अलग फॉर्मूले को यूज़ किए, सिंपल लॉजिक से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।